ghamasan.com. मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भांति। प्रदेश की राजधानी के संसदीय क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को चुनौती देते हुए उनसे किला लड़ाने के लिए मैदान में उतरी हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने महाकाल मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और नंदी के कान में अपनी जीत की गुहार लगाई। भोपाल से भाजपा प्रत्याशी बनने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बुधवार रात महाकाल मंदिर पहुंची। मीडिया से चर्चा में साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। ये चुनाव धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की तरह है और इसमें जीत धर्म की होगी। साध्वी ने कहा कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो इसका निर्वहन करने के लिए तैयार है। भोपाल में अल्पसंख्यक वोटों के लिए प्रज्ञा ठाकुर का कहना था कि मैं राष्ट्र की बात करती हूँ, राष्ट्र को सुरक्षित देखना चाहती हूँ। यही धर्म है। धर्म का मतलब केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है। कुछ लोग धर्म की आड़ लेकर नाटक करते हैं, मगर जनता सब जानती है। प्रज्ञा से मिलने मंदिर के बाहर उनके समर्थक भी पहुंचे थे। प्रज्ञा ठाकुर का उज्जैन से पुराना नाता रहा है। 1996 से लेकर 1998 तक वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की संगठन मंत्री रही हैं और उज्जैन में काम किया। इस दौरान मिस मालवा प्रतियोगिता का प्रज्ञा ने विरोध किया था। इसके बाद वे चर्चा में आई थी। प्रज्ञा ठाकुर समय समय पर महाकाल मंदिर आती रहती हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।